ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमाकालिके अष्टमालक्ष्मी अष्टसौधे जगज्जननी आदिमाता। ओम नवग्रहेभ्यो शिरोपालेभ्यो ओम द्वादशराशिभ्यो सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से बात करेंगे। मिथुन राशि 2023 जनवरी महीना का राशिफल और ग्रह स्थिति ऐसा है। मिथुन राशि का 1, 2, 3, 4, 5 पंचम स्थान पे केतुदेव, छठा सप्तम और सूर्य और शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। फिर सूर्य का 17 तारीख को गोचर यहाँ हो जाएगा और शनिदेव 17 तारीख को मकर से कुंभ में चले जाएंगे। गुरु बृहस्पति आपके मीन राशि में और राहुदेव आपके एकादश द्वादश पे मंगल चल रहा है। कैसा रहेगा इस महीना का स्थिति, कैसा रहेगा इस महीना का प्लानिंग कंडीशन, तो सबसे पहला आपको आगाह कर दूं कि आपके द्वादश में मंगलदेव चल रहे हैं। इस हिसाब में थोड़ा सावधान बहुत जरूरी है दोनों वृष वालों को और मिथुन वालों को भी। और जब भी ये मंगल यहाँ रहते हैं थोड़ा सावधानी। पहला बात, द्वादश मांगलिक दोष कुंडली में होने से रहता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउनफॉल पे जा सकते हैं। आप ये ना समझें कि आपका 7.5 साथी खत्म हो गया, ढैया खत्म हो गया, ढैया पे चल रहे थे, लेकिन ये मंगल कहीं ना कहीं से दंगल बना रहा है। सावधान फ्रॉम एक्सीडेंटल एंड बिजनेस लॉस, खर्चा बढ़ा के रखा है। जनवरी का महीना खर्चा कंट्रोल करने का पूरा करो प्रयास करें। हेल्थ का अवस्था कैसा रहेगा, बुध स्वयं से आके अपने स्थान से ये स्वाभाविक सप्तम में है, अपने को देख रहे हैं इस कंडीशन पे। हेल्थ कंडीशन इज गुड, बट 7.5 साथी ढैया का और ये मंगल का द्वादश का इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में माइक्रो लेवल प्रॉब्लम दे सकता है। धन का बात करेंगे तो शनि का 17 तारीख के बाद शनि का दृष्टि से कम्प्लीटली ये आउट हो जाएगा। गुरु बृहस्पति का प्योर दृष्टि यहाँ पर आने वाला है। धन वृद्धि का योग बहुत अच्छा एंड गुड बिल्डअप कर रहा है। पराक्रम में वृद्धि कहना नहीं है, अपने से 1, 2, 3, 4, 5 और छठा पे गुजर सूर्य का तो 17 के बाद नेचुरली ये और ज़्यादा मूवमेंट पे आएगा। और बात करते हैं सुख समृद्धि का, वर्धन का, तो अपने से 1, 2, 3, 4 एंड 5 का गोचर रहेगा तो ये भी आपके लिए स्ट्रांग एंड पॉजिटिव एंड गुड नो डाउट। और यहाँ पर गुरु बृहस्पति का भी दृष्टि आने के कारण ये भी आपके लिए बम बम कैलाशी घटघट के बासी। लव अफेयर्स एंड ऑल दिस करंट कंडीशन, नेचुरली केतु बैठे हैं, थोड़ा सा विच्छेदात्मक कंडीशन रहेगा। शिक्षा एजुकेशन पे कहीं ना कहीं बैकफुट पे ये दिख रहा है और लेकिन अचानक गुड फल मिलने का भी संभावना जनवरी का महीना दर्ज करता है। 1, 2 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा स्थान दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँगा 40% ये बिगड़ा हुआ कंडीशन पे रहेगा, लेकिन मंगल का यहाँ पर जो अष्टम दृष्टि आके नेचुरली और ज़्यादा कंडीशन को पेचीदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल का और राहु का दृष्टि आना जिसके लिए ये समस्या स्थिति पे रहेगा। और अपना लॉर्ड अपने से चतुर्थ गया है इसलिए नैसर्गिक रूप में सुख और समृद्धि और मजा मस्ती रहेगा, एंजॉयमेंट रहेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम के बीच में रहेगा। और अगर बात करें भाग्य का तो भाग्य का सपोर्ट इस समय बहुत सॉलिड लेवल पे वृद्धि होने वाला है, तो कम मेहनत में जो काम रुका हुआ था वो अप एंड आउट होने का जनवरी 17 के बाद आप देखोगे। बहुत सारा काम सुधरते बिगड़ बनते देखोगे, बहुत सारे लोग जिंदगी से हटेंगे और बहुत सारे नया लोग अब आने वाले हैं। और आपका स्थिति अगर यहाँ से करियर का बात करें तो ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन पे है एंड बेस्ट जोन पे है एंड सॉलिड जोन पे है। नया अपॉर्चुनिटीज हाथ मतलब कहना नहीं है और इट इज़ अ गुड वन, एंड जिनका नौकरी नहीं था उनको मिलने का संभावना है। और लाभ तो कहना नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्डअप कर रहा है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट का बात करें और खर्चा का बात करें तो यहाँ मंगल सारा खेल को बिगाड़ने का भी काम कर रहा है, तो उसके लिए नेचुरली मंगल शांति हेतु हनुमान जी का शरण में जाना बड़ा जरूरी है। और यहाँ पर ढैया का शुद्धि आप जरूर करा लीजिएगा। अब ये बेसिक सिनेरियो जनवरी मंथ। अब यहाँ बात करते हैं आपका मिथुन राशि का चंद्रमा इस महीना का प्रारंभिक 5, 6 और 7 को आपका चंद्रमा यहाँ पर मूवमेंट रहे जनवरी में रहेंगे तो गुड क्रिएटिव डिसीजन लेने का कैपेसिटी मूवमेंट। और जिस दिन
ये राशि नक्षत्र में रहेंगे वहां थोड़ा सा संभल जाइएगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। ये जो बेड जोन रहेगा आपके लिए 7, 8, 9, 10 थोड़ा सा खर्चा बता रहा है, और उतना ज़्यादा डिसीजन लेने का कैपेसिटी यहाँ पर बिल्डअप नहीं रहेगा, लेकिन गुरु का एस्पेक्ट आने के कारण ये 3 दिन भी आपके लिए पॉजिटिव जाएगा, जो नेगेटिव उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। चंद्रमा का यहाँ 11, 12, 13 यहाँ से पराक्रम को वृद्धि, लेकिन विभ्रात्मक आपको मिलेगा, इसमें भी डिसीजन उतना ज़्यादा लेना या कोई इफेक्टिवनेस काम करना मैं मना करूँगा। चतुर्थ चंद्रमा जाएगा, गुरु का दृष्टि है, यहाँ भी आपके लिए बेड जोन था, लेकिन यहाँ भी आपके लिए पॉजिटिव जनवरी का महीना 12, 13, 14 इज ए गुड टाइम पीरियड रहेगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, बेड जोन 15, 16, 17 को यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 पंचम में अहेतुक भय, विवेकहीनता और कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन ये डेट देंगे। निर्णय नहीं लेना, बड़ा काम शुरुआत नहीं करना। एंड देन उसके बाद आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 17, 18, 19 सॉलिड पीरियड देगा। उसके बाद एंजॉयमेंट, छुट्टी मनाना और कहीं घूमने के लिए जाना या किस प्रकार के भी आप एंजॉयमेंट के लिए, ये भी 20, 21, 22 गुड पीरियड आपको दिखा रहा है। मिथुन वालों का अष्टम चंद्रमा सीवियर नेगेटिव कंडीशन बिल्डअप कर सकता है यहाँ पर 22, 23, 21 का कुछ दिन से अष्टम चंद्रमा रहेगा, बैकफुट पे रहेंगे, उतना ज़्यादा मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो और थोड़ा सा नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन टाइप दे सकता है। इन्स माइनस माइनस ये डेट को अवॉइड करेंगे। उसके बाद 22, 23, 24, 25 का आधा दिन ये भी हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ऊर्जा फील नहीं करोगे। उसके बाद आपके लिए एकदम गुड पीरियड शुरू होके अप टू 23 तारीख से लेके 13 तारीख तक आप कुछ भी करो, आपके लिए लाभ देने का स्थिति भी यहाँ ये डेट बता रहा है। डिसीजन मेकिंग काम का क्षेत्र में और किसी भी चीज़ को सफलतापूर्वक करने के लिए कर्म सिद्धि योग, लाभ प्राप्ति और इन्वेस्टमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये टाइम जो ठीक रहेगा। और आखिरी महीना 4, 5, 31 यहाँ थोड़ा संभल जाएंगे, खर्चा बूस्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक था राशिफल से। अब बात कर लेते हैं नक्षत्रफल से। आपका अभी मिथुन राशि वालों का मृगशिरा नक्षत्र, तो आपके लिए अगर मैं नेगेटिव डेट्स को अगर निकाल दूं तो यहाँ से हम बात करते हैं जन्म संपद विपद 7 तारीख नेगेटिव क्रॉस। तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक 12 तारीख को थोड़ा सा संभल के, मित्र अति मित्र गुड, गुड सुपर गुड, बैड पीरियड फिर बात करते हैं। जन्म संपद विपद क्षमा विपद 17 तारीख क्षमा देन प्रत्यारी साधक बाधक 21 तारीख को थोड़ा संभलिएगा। ये नक्षत्र पद से थोड़ा सा नेगेटिव जोन आपको मिल रहा है 21 तारीख को। बाधक फिर मित्र अति मित्र जन्म संपद विपद 25 तारीख तो 50% माइनस, विपद के बाद क्षमा प्रत्यारी साधक बद भरणी 2 और 29 तारीख ये आपके लिए जो डेट बताया मैं ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइप रह सकता है, रहेगा ऐसा गारंटी नहीं कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा संभल के चलना है। ये था नक्षत्र पद से राशि पद से राशिफल 2023 का जनवरी महीना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।